तिजारा क्षेत्र के निमली गांव में दहेज के लालचियों ने एक विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तिजारा थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया। डीएसपी शिवराज सिंह घटना स्थल पर मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिजारा मोर्चरी में रखा। परिजन के आने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। नाम जी मुबारक है, गांव भी शुरू है और मैंने अपनी बहन की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ आयशा की शादी जावेद सनो रफीक गांव नीमली उसके साथ में की थी 27 तारीख 5वां महीना 2022। जब से अब तक वो मेरी बहन को दहेज के लिए बार बार टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने मिलजुल के छः सातों ने मिलजुल के और पहली तारीख और 5वां महीना 2024 को उन्होंने हत्या कर दी। तो मैं पता चला तो मैं अपने गांव वालों के साथ में मिलकर वहां आया और मैं अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाए। नीमली गांव में विवाहिता की मौत का मामला है। विवाहिता के परिजनों ने तिजारा थाने में रिपोर्ट की है। इनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 498-304 में। घटनास्थल का निरीक्षण हम कर चुके हैं। पंचायतनामा लाश का बन चुका है और मेडिकल बोर्ड गठित करवा के उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अनुसंधान जारी है। जैसे ही अनुसंधान में जो जो चीज़ें क्लियर होंगी उनमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।